शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्राइम ब्रांच यूनिट 4 की टीम ने मंगलवार की शाम एक तड़ीपार अपराधी को बिना अनुमति परिसर में घूमते दबोचा। पकड़े गए आरोपी मालगी नगर बेसा पावर हाउस झोपड़पट्टी निवासी शेख रमजान शेख नजीर कुरैशी बताया जा रहा है। रमजान पुराना हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में 19 मामले दर्ज है। उसके आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए 18 सितंबर 2019 को डीसीपी जोन 4 के निर्मला देवी ने उसे 2 वर्ष के लिए शहर से तड़ीपार कर दिया था। सीपी भूषण कुमार उपाध्याय ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत सभी अपराधियों की जांच करने के निर्देश विभाग को दिए। शहर भर अपराधियों की धरपकड़ और कार्रवाई चल रही है। आमची सतत गुन्हेगार सर्चिंग सुरू आहे आणि हे गुन्हेगार सर्चिंग तरी सुरू असताना आज एपीआय चंदन आणि त्यांच्या पथकाला एक माहिती मिळाली की बेसा पॉवर जवळ एक तडीपार आहे ज्याचं नाव शेख रंजन नाझीर शेख आहे। तो त्या एरियामध्ये वावरतो आहे अशा माहितीवरून आम्ही त्या माहितीची खात्री करून सापळा रचला आणि त्याला बेसा पॉवर चौकाजवळ पकडण्याचा प्रयत्न केला। तो पळण्याचा प्रयत्न केला त्याने, पण त्याला आम्ही पकडलं आणि त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्यावर मुंबई पोलीस कायदा 142 क्रमाने कारवाई केली। या तडीपारावर 19 गुन्हे दाखल आहेत विविध पोलिसांमध्ये नागपूर शहरामध्ये आणि आम्ही आता त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करून त्याला अटक कारवाई करून पुढील कारवाईसाठी पोलीस मोडकेसरकडे दिलेलं आहे। आमचीही जी गुन्हेगार सर्चिंग आहे ही अधिक या प्रभावी या क्रॅकडाऊन संबंधाने प्रभावीपणे परत आम्ही राबवणार आहोत आणि जास्तीत जास्त गुन्हेगारांना प्रतिबंध कसा करता येईल या दृष्टीने आम्ही प्रयत्नशील आहोत। मंगलवार को पुलिस दस्ते को जानकारी मिली कि रमजान तड़ीपार होने के बावजूद भी बिना अनुमति के बेसा पावर हाउस परिसर में घूम रहा है। बिना देरी किए हुए पुलिस दस्ता मौके पर पहुंचा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी नीलेश भरने, डीसीपी गजानन राजमाने और एसीपी सुधीर नंदनवार के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर अशोक मेश्राम, एपीआई दिलीप चंदन, हेड कांस्टेबल कृपा शंकर शुक्ला, प्रशांत कोड़ापे, बबन राउत, नितिन अकोते और श्रीकांत बारवाड़े ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज, नागपुर।